विधानसभा चुनाव की चौसर बज चुकी है। देश के 5 बड़े राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। ये तो हम जानते हैं कि चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां अपने प्रचार में काफी रुपए खर्च करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पार्टियों के पास इतना फंड आखिर आता कहां से है? ये फंड देने वाला आखिर है कौन? चलिए आज आपको बताते हैं इसके बारे में। नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। साल 2018 में शुरू हुआ ये बॉन्ड सिस्टम एक तरह से पार्टियों को देने वाले चंदे का रूप है। इसमें 1,000 से लेकर 1 करोड़ तक का डोनेशन पार्टियों को दिया जा सकता है। ये आम नागरिक भी कर सकता है और कंपनियां भी। इसमें 1,000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में बॉन्ड मिलते हैं। ये SBI के निश्चित शाखाओं में होते हैं। इसमें कोई भी दानकर्ता जिसका बैंक में अकाउंट हो बॉन्ड खरीद और वो अपनी पसंद के पार्टी को डोनेट कर सकता है। इसे खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में रिबेट भी मिलती है। ये केवल 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। अगर इस दौरान उसे कैश में न बदला जाए तो पैसे प्रधानमंत्री कोष में चले जाते हैं। बता दें, ये हर तिमाही के पहले 10 दिनों तक खरीदा जा सकता है, यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिनों तक बैंक से बॉन्ड लिया और डोनेट किया जा सकता है। चंदा लेने वाले को बॉन्ड के मूल्य के बराबर के पैसे संबंधित ब्रांच में जमा कराने होते हैं, जिसके बदले उसे बॉन्ड मिलता है। कोई भी कंपनी या शख्स तय हुए टाइम पीरियड के दौरान कितनी भी बार बॉन्ड डोनेट कर सकता है और ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। बता दें, कोई भी पार्टी जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत रजिस्टर हो और जिसने बीते विधानसभा या आम चुनावों में कम से कम 1% तक वोट हासिल किया, वो डोनेशन पाने का हकदार है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी को अपने बैंक लेन देन और डोनेशन की पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है। यहां तक कि आए पैसों के खर्च का हिसाब भी साफ करना पड़ता है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका है। इसमें बस इतना ही अलग है कि इसमें फंड देने वाले की पहचान गोपनीय रहती है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों लाया गया ये सिस्टम। इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि इससे पारदर्शिता आएगी। बैंकों के जरिए पैसे मिलने पर पता लग सकेगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। सरकार इसे ऑडिट कर सकती है। इसके अलावा दानकर्ता की पहचान भी गुप्त रहती है। इससे कोई भी पार्टी या दूसरा व्यक्ति उसके राजनीतिक झुकाव को लेकर हावी नहीं हो सकता। यानी हमने जिसे बड़ा डोनेशन दिया है, अगर उसके बजाय कोई और पार्टी सत्ता में आ जाए तो धमकी या किसी तरह की साजिश का डर नहीं रहता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2 पार्टियों को लगातार सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहा है। ये पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी। इसके बाद लिस्ट में तृणमूल कांग्रेस का नाम है। ये राशि पार्टियां खुद अपनी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को देते हुए बताती है। साल 2018-19 में भाजपा को 1400 करोड़ से ज्यादा, जबकि कांग्रेस को 380 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड मिले। वहीं साल 2019-20 में भाजपा को 2500 करोड़ से कुछ ज्यादा, जबकि कांग्रेस को 318 करोड़ रुपए। बात करें साल 2020-21 की, तो चंदे में काफी गिरावट आई, जिसमें कांग्रेस को करीब 10 करोड़ और भाजपा को 22 करोड़ रुपए मिले। और उस टाइम तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 42 करोड़ रुपए का बॉन्ड। वहीं साल 2021-22 में बीजेपी को 1032 करोड़, जबकि कांग्रेस को 236 करोड़ रुपए मिले। वहीं तृणमूल को 528 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। दावा किया जा रहा है कि साल 2018 से लेकर अगले 5 सालों के अंदर करीब 9,208 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बिके। इसका करीब 58% बीजेपी के पास है। वही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कमेटी ने याचिका पर सुनवाई की। इसमें याचिकाकर्ता का दावा है कि इस सिस्टम के जरिए राजनीतिक पार्टियों को 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फंडिंग हो चुकी है, जिसका स्रोत तक पता नहीं। यही दावा करते हुए बॉन्ड सिस्टम को रद्द करने की मांग की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।